मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जुखबों का पहाड़ परिवार पर टूटा है। अचानक जिस तरीके से सरेहा बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून डाला गया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रोज की तरह बाबा सिद्दीकी अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे थे और उसी दौरान विजयदशमी का पर्व था। लोग खुशियां मना रहे थे, पटाखे चल रहे थे और अचानक से जो पटाखों की जोरदार आवाज के बीच एक धमाका सा होता है। शुरुआत में मौजूद लोगों को ये गुमा होता है कि शायद कोई पटाखा चला, लेकिन फिर जब धुआं छटता है और लोगों की नजर पड़ती है तो बाबा सिद्दीकी का जिस्म वहां पर खून से लथपथ पड़ा हुआ नजर आता है और तब लोग समझते हैं कि आखिरकार ये तो बड़ी अनहोनी हो गई। बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाकर उन्हें भून डाला गया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। वो पीछे बाबा सिद्दीकी के घर मेन गेट दिख रहा है आपको, और देखिए किस तरीके से घर के भीतर तक वहां पर एक जन सैलाब सा उमड़ा हुआ है। और अब इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए माइक जो है वो इस समय जिशान सिद्दीकी के हाथ में दिया गया है, उनके बेटे हैं, ताकि लोग जो हैं वो उनकी बात सुने, माने, संयम बरतें। इसीलिए इस समय जिशान सिद्दीकी को माइक दिया गया कि वो लोगों से अपील करें। यहाँ पर नमाज जनाजा होनी है, सुपुर्द खाक करने से पहले इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ी जाती है जनाजे के लिए, और वही नमाज जनाजा है। ये देख रहे हैं आप, नियत बन चुकी है और जनाजे की नमाज जो है अब वो शुरू हो चुकी है। सामने की तरफ आप देख रहे हैं जनाजा रखा हुआ है और पीछे नियत बांधे लोग खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। ये नमाज जनाजा जो इस वक्त अदा की जा रही है। अब हम आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी राजेश त्रिपाठी यहीं पर मौजूद हैं। राजेश, ये नियत बन चुकी है, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो जनाजे की नमाज है वो शुरू हो गई है बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर ही। राजेश जी, बिल्कुल जनाजे की जो है नमाज जनाजा शुरू हो गई है। यहाँ पर शव को बाहर लाया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, लोगों को जो है कैसे कंट्रोल किया जाए इसके लिए भी अनाउंसमेंट है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि सभी लोग जो है जनाजा कर रहे हैं। नमाज़े जनाजा मुकम्मल हो गई है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपके सामने, जिस वक्त जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही थी उस वक्त की तस्वीरें। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर ही ये जनाजे की नमाज जो अदा कर दी गई है। और अब यहाँ से तदफीन के लिए, सुपुर्द खाक करने के लिए जनाजे को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। जनाजे की नमाज पढ़ ली गई है, दुआ लोग मांग रहे हैं बाबा सिद्दीकी के लिए। बेहद भावुक के ये पल होते हैं जब अपने को आप अलविदा कह रहे होते हैं और उसे सुपुर्द खाक करने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। उस समय जो परम पिता परमेश्वर है उससे यही दुआ मांगी जा रही होती है कि जो भी गुनाह या पाप किए हो उसको बख्श दिया जाए और उसे अपने चरणों में परम पिता स्थान दे, जन्नत कह लीजिए, स्वर्ग कह लीजिए, वहां पर उसे जगह नसीब हो, यही दुआ यहाँ पर मांगी जा रही है। और साथ ही उनके अपने जो पीछे रह गए हैं, जो इस वक्त दुख में हैं, उन्हें हिम्मत मिले। और बार बार मेरी नज़र इन तस्वीरों में बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी पर जा रही है, जो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह पिता के जाने के बाद देखिए कैसे फूट फूट कर रोते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से निहाल। मैं आपको लेकर चलती हूँ, हमारे सहयोगी कलीम भी यहाँ पर मौजूद है, जरा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कलीम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मुझे बताया जा रहा है राजेश त्रिपाठी यहाँ पर मौजूद है। राजेश, जनाजे की नमाज मुकम्मल हो गई है, अब दुआ का सिलसिला हम यहाँ पर देख रहे हैं, और इसके बाद मुझे बताइए जरा तैयारी क्या है, किस तरीके से जनाजे को यहाँ बाबा सिद्दीकी के घर से वहाँ मरीन लाइन्स बड़े कब्रिस्तान तक लेकर जाया जाएगा, उसके लिए क्या तैयारी की गई है यहाँ पर राजेश? जी बिल्कुल, यहाँ पर तैयारी पूरी है और एक गाड़ी तैयार की गई है, और उससे क्योंकि दूरी फासला दूरी है इसलिए यहाँ से लोग
कंधे पर लेकर जनाजे को ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, लेकिन एक गाड़ी यहाँ पर लाई गई है और उसी से जो है 15 किलोमीटर का रास्ता तय किया जाएगा। यहाँ पर भारी पुलिस के बंदोबस्त किए गए हैं जिसकी वजह से वो सुरक्षा व्यवस्था, ताकि ज़्यादा लोग जो है गाड़ी के साथ जा ना सकें, इसलिए पुलिस भी तैनात की गई और पूरे सुरक्षा बल के साथ जो है मरीन ड्राइव तक का जो है ये सफ़र तय होने वाला है। यहाँ से जो है अंतिम सफ़र जो है बाबा सिद्दीकी का वो यहाँ से तय होगा। तो पूरी तैयारी, यहाँ पर नमाज जनाजा हो चुकी है, दुआ पड़ी जा रही है और इसके बाद जो है जनाजा यहाँ से निकलेगा और फिर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा मरीन ड्राइव के बड़े कब्रस्तान में। तो आप देखिए कि यहाँ पर लगभग जो है सभी कुछ तैयारियाँ हो गई और जो नमाज जनाजा था, जो दुआ थी, वो सब कुछ यहाँ पर हुआ है। और अभी आप लोग देखिए कि यहाँ पर इसके बाद जो है लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोगों से बात, कुछ आप लोग कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ लोग बातचीत भी नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि वो गमगीन हैं, वो जो है गमजदा हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत ही दुख है क्योंकि उनका जो है जो एक नेता था, जो जिसे वो बहुत पसंद करते थे, वो जो है वो उनकी अंतिम विदाई कर रहे हैं, इसलिए जो है वो कोई भी कुछ भी बात नहीं करना चाहता है। लेकिन हर चेहरे पर जो है वो दुख है, दर्द है, क्योंकि उनका जो अजीज नेता था बांद्रा इलाके का बाबा सिद्दीकी, वो नहीं रहे और उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से निकलने वाली है। और सब लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके पहचान के लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं इस वक्त उनके घर के बाहर और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए खड़े हैं। बारिश हो रही है जी हाँ, जैसे ये एक इत्तफाक है कि जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही घर से जनाजा निकला और सबका ही कहना है कि आसमान भी रो रहा है इस नेता के मरने पे। बिल्कुल, देखिए अगर सफर की बात की जाए बाबा सिद्दीकी की, तो बिल्कुल एक ऐसा सफर जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। 47 साल का तो सिर्फ और सिर्फ सियासी करियर ही बाबा सिद्दीकी का रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर के तौर पर बाबा सिद्दीकी ने अपनी शुरुआत की चुनावी राजनीति में और इसके बाद बाबा सिद्दीकी 3 बार लगातार मुंबई में विधायक बने, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी की पहचान एक राजनेता के तौर पर तो थी ही, साथ ही साथ खासतौर से बॉलीवुड में एक यारों के यार वाली जो इमेज थी बाबा सिद्दीकी की, और खासतौर से वो इफ्तार पार्टियां, बड़ी बड़ी आलिशान इफ्तार पार्टियां बाबा सिद्दीकी किया करते थे रमज़ान के महीने में, जो बॉलीवुड के सितारों से सजी हुई होती थी, वो खासतौर से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थी। और यही वो तमाम वजह जिसने बाबा सिद्दीकी को एक अलग पहचान भी दिलाई, एक अलग मकाम तक पहुँचाया। ABP News आपको रखे आगे।